अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू न्यू वीडियो। तो भाई आज वाले वीडियो में आईक्यू 7 के बारे में ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ। भाई ये भी बताने वाला हूँ कि कॉम्पी में और स्क्रीम्स में कैसा चलता है, लैग होता है या नहीं, और हीटिंग इशू होता है या नहीं, बैटरी बैकअप कैसा है। और भाई ये जो रिव्यू देने वाला हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ आफ्टर यूजिंग 11 मंथ, और भाई टॉप 8 मेजर इशू बताने वाला हूँ जो मेरे मोबाइल के साथ हो रहा है, जो कि आईक्यू 7 है। और भाई आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि आप ले सकते हो आईक्यू 7 या नहीं। भाई बहुत बंदे ने कॉमेंट करके क्वेश्चन भी पूछा था रिगार्डिंग आईक्यू 7 कि कॉम्पिटिटिव में लैग होता है या नहीं लैग होता है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे का मैं आंसर देने वाला हूँ लास्ट में। वीडियो काफी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना हो, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और शेयर जरूर करना इस वीडियो को। तो आइए आइए देखते हैं, मजा आएगा। और भाई जो भी मैं टॉप 8 मेजर इशू बताने वाला हूँ वो एंड्रॉइड 12 अपडेट करने के बाद हो रहा है मेरे साथ, सॉरी मेरे मोबाइल के साथ। तो सबसे पहला मेजर इशू है भाई लैग की। भाई जब से मैं एंड्रॉयड 12 अपडेट किया हूँ उसके बाद भाई BGMI में लैग होना स्टार्ट हो गया। और भाई अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो और कॉम्पी या फिर स्क्रीम भी खेलते हो तब लैग करेगा, और अगर आप बिना रिकॉर्डिंग किए स्क्रीम्स या कॉम्पी खेलते हो तो बहुत कम लैग होगा, हल्का सा फ्रेम ड्रॉप होगा, ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप मेरे तरह कॉम्पी या स्क्रीम्स खेलते समय रिकॉर्डिंग करते हो तो भाई लैग होगा ही होगा 5th या 6th जोन के बाद। उसके पहले थोड़ा थोड़ा कभी कभी फ्रेम ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भाई लैग फील होने लग जाएगा। तो भाई ये था पहला इशू। और भाई दूसरा इशू आईक्यू 7 के साथ ये हो रहा है कि BGMI क्लोज कर दे रहा है बीच बीच में। जैसे कि आप अगर गेम खेल रहे हो खेलते खेलते BGMI क्लोज कर देगा ऑटोमेटिकली, और भाई मतलब आपको फिर से BGMI ओपन करना पड़ेगा। और भाई ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा है एंड्रॉयड 12 अपडेट करने के बाद। इससे पहले भाई मुझे ये इशू फेस करने को नहीं मिला, और जैसे ही एंड्रॉयड 12 अपडेट किया उसके 2-3 दिन बाद ही मुझे पहली बार BGMI क्लोजिंग वाला इशू फेस करने को मिला था। तो भाई जितने भी आईक्यू 7 वाले बंदे हैं उन लोग से भी आप पूछ सकते हो, उन लोग का भी जब से अपडेट किए होंगे एंड्रॉयड 12 उसके बाद BGMI क्लोज हो जाता होगा ऑटोमेटिकली। तो दूसरा प्रॉब्लम ये था। और भाई तीसरा प्रॉब्लम यह है कि टच इशू फेस करने को पड़ रहा है। भाई कभी भी गेम खेलते खेलते भाई अगर आपकी एक गन में रिलोडिंग हो जाती है तो अचानक से जब गन चेंज करना होता है या फिर रिलोडिंग करना पड़ता है तो उस समय मेरे को टच प्रॉब्लम फेस करने को पड़ता है, क्योंकि भाई ये टच मतलब कभी कभी काम नहीं करता। जैसे जल्दी से गन चेंज नहीं होता या फिर रिलोडिंग नहीं होता, तो ये सब टच प्रॉब्लम हो रहा है भाई जब से एंड्रॉयड 12 अपडेट किए हैं। लेकिन भाई मेरे फ़ोन में कोई स्क्रैच भी नहीं है, ना ही ग्लास ब्रोकन है, कुछ भी नहीं, एक बार भी गिरा भी नहीं है, फिर भी ये टच इशू हो रहा है मेरे आईक्यू 7 में। तो भाई देख लेना। तो यही था तीसरा इशू। और भाई चलते हैं चौथे इशू के ऊपर। और भाई चौथा इशू बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में। भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब से एंड्रॉयड 12 अपडेट किया उसके बाद भाई लिटरली 3 आवर्स से ज़्यादा बैटरी नहीं चलती है अगर रेगुलर आप BGMI खेलो तो। और एंड्रॉयड 12 अपडेट करने से पहले लगभग 5 आवर या 4.5 आवर तो चल जाता था, उसके बाद जब से एंड्रॉयड 12 अपडेट किया उसके बाद भाई या बैटरी परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम, चार्जिंग का कोई इशू नहीं है, चार्जिंग भाई हो जाता है, मतलब जैसा हो रहा था उसी तरह फास्ट चार्जिंग हो जाता है। और भाई पचवा इशू ये फेस करना पड़ रहा है कि भाई ऑटोमेटिक भाई पूरा मोबाइल स्विच ऑफ हो जा रहा है कभी कभी, ऐसा भाई जब से अपडेट किया हूँ एंड्रॉयड 12 उसके बाद 2 बार ऐसे हो चुका है, मतलब हमेशा नहीं होता, 2 बार ऐसे हो चुका है एंड्रॉयड 12 अपडेट करने के बाद ऑटोमेटिक, जैसे कोई काम कर रहे हो आप और या फिर कोई भी मतलब YouTube भी देख रहे हो या BGMI खेल रहे हो तो ऑटोमेटिक पूरा स्विच ऑफ हो जाएगा मोबाइल, बैटरी लो नहीं भी होगा फिर भी। तो ये मेरे साथ 2 बार हो चुका है। तो यही था इशू, ऑटोमेटिक स्विच ऑफ वाला इशू पांचवा प्रॉब्लम। छठा प्रॉब्लम कैमरा ओपन प्रॉब्लम है। जैसे कि भाई मेरे साथ ये हुआ कि BGMI खेलने के बाद BGMI क्लोज करने के बाद मैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए मैं कैमरा ओपन किया तो भाई कैमरा ओपन ही नहीं हो रहा था। ये भी मेरे साथ 3 बार हो चुका है इस आईक्यू 7 में कैमरा ओपन नहीं होता, उसके बाद आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा इस मोबाइल को। सातवां इशू ये है कि
आपका एंड्रॉयड 12 अपडेट करने के बाद या फिर शायद 11 मंथ हो गया इसलिए, लेकिन भाई अब मोबाइल लैग होने लगा पूरा मोबाइल, ऐसा नहीं कि BGMI, पूरा मोबाइल लैग होने लगा है। तो भाई मुझे लगता है एंड्रॉयड 12 अपडेट करने के बाद ही भाई जो भी प्रॉब्लम हो रहा है एंड्रॉयड 12 अपडेट करने के बाद ही हो रहा है, उससे पहले ये सब कुछ नहीं, पूरा स्मूथ चलता था। और लास्ट इशू ये है भाई हीटिंग इशू, ये भी भाई सेम एंड्रॉयड 12 अपडेट करने के बाद ही हो रहा है इशू। इससे पहले भाई मतलब हीट नहीं होता था मोबाइल कवर लगाने के बाद भी, और अब भाई मोबाइल कवर हटा के खेलना पड़ रहा है मोबाइल को ठंडा रखने के लिए। इतने सारे इशू फेस करने पड़ रहे हैं एंड्रॉयड 12 अपडेट करने के बाद। तो भाई मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि अगर आप iQOO 7 खरीद भी रहे हैं तो एंड्रॉयड 12 अपडेट ना करें, और रिकॉर्डिंग के साथ स्क्रीम्स या कॉम्पी खेलना चाहते हैं तो भाई ये मुझे नहीं लगता कि ठीक से खेल पाओगे इसमें। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने तक सही चलेगा, उसके बाद शायद मेरा ही प्रॉब्लम कुछ कुछ आप लोगों को फेस करना पड़ेगा। और भाई चलते हैं सभी के क्वेश्चन के ऊपर, जिन बंदों ने कमेंट करके क्वेश्चन पूछा था उन लोगों का आंसर दे देता हूँ। तो भाई पहला क्वेश्चन जिस पूछते हैं, ब्रो कॉम्पी में iQOO 7 प्लेबल रहता है या फिर बहुत लैग करता है? तो भाई जैसा कि मैं वीडियो में बता दिया हूँ कि अगर आप कॉम्पी खेल रहे हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो भाई लैग करेगा ही करेगा iQOO 7 में। अगर आप बिना रिकॉर्डिंग के कॉम्पी खेल रहे हो तो भाई लैग नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा सभी एंड्रॉयड में लैग करता है, जो थोड़ा थोड़ा फ्रेम ड्रॉप होगा। तो भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो भाई अगला क्वेश्चन स्क्रॉल गेमिंग बाइटी पूछते हैं, भाई iQOO में कितने टाइम से खेल रहे हो? तो भाई जैसा कि टाइटल और थंबनेल में देखा होगा 11 मंथ से मैं खेल रहा हूँ iQOO 7 में। तो अगला क्वेश्चन है पबजी शॉर्ट्स का, ब्रो कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज करते हो? तो भाई मैं इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज करता हूँ iQOO 7 में, जो इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर आता है उसको यूज करता हूँ मैं। तो भाई अगला क्वेश्चन पूछते हैं राहुल पांडे, कितना लैग होता है T1 में? ये क्या बात करता है यार। तो भाई मैं बताता हूँ T1 में कितना लैग करता है, 2 kg या फिर 3 kg या फिर 5 kg, हाँ 5 kg लैग करता है भाई। कैसे बता सकता हूँ यार कि कितना लैग करता है, रिकॉर्डिंग ऑन करेगा तो बहुत ज़्यादा लैग होगा और बिना रिकॉर्डिंग के थोड़ा थोड़ा लैग होगा। तो भाई अगला क्वेश्चन पूछते हैं यशवंत भाई, हीटिंग का इशू जैसा कि मैंने बताया हीटिंग का इशू एंड्रॉयड 12 अपडेट करने के बाद हो रहा है iQOO 7 में। iQOO 7 का एंड्रॉयड 12 अपडेट करने से पहले कोई हीटिंग इशू मेरे को फील नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन एंड्रॉयड 12 सॉफ्टवेयर अपडेट आने के बाद लोग बोल रहे हैं गेम अच्छा नहीं चल रहा है, लैग कर रहा है, ज़्यादा हीट हो रहा है। तो भाई लोग सही बोल रहे हैं, लैग तो हो रहा है, हीट भी हो रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, लोग सही बोल रहे हैं भाई। तो अगला क्वेश्चन AMB पूछते हैं, ब्रो प्लीज कैन यू टेल विच हेडफोन जैक स्प्लिटर यू यूज प्लीज रिप्लाई। तो भाई मैं यूज करता हूँ OnePlus का हेडफोन जैक स्प्लिटर, तो वो आप OnePlus के स्टोर से या फिर Amazon से खरीद सकते हो, Amazon पे ज़्यादातर अवेलेबल नहीं रहता तो OnePlus के स्टोर से खरीद सकते हो, मैंने तो OnePlus के स्टोर से ही खरीदा था तो खरीद सकते हो। तो अगला क्वेश्चन MDS क्रिएशन पूछते हैं, शुड आई बाई फॉर कॉम्पिटिटिव? तो अगर आप खरीदना चाहते हो iQOO 7 या फिर आपके पास 30K ही बजट है तो खरीद सकते हो, लेकिन एंड्रॉयड 12 अपडेट मत करना, एंड्रॉयड 11 पे ही रहना। और अगर एंड्रॉयड 12 अपडेट कर भी दिए हो तो भाई रिकॉर्डिंग मत करना अगर कॉम्पी खेल रहे हो या फिर स्क्रीम्स खेल रहे हो तो। और भाई यही था क्वेश्चन, तो भाई सारे बंदों का क्वेश्चन का आंसर तो मैं नहीं दे सकता हूँ क्योंकि वीडियो पहले ही इतनी लंबी हो चुकी है और भाई और ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी क्योंकि 100-150 क्वेश्चन अभी भी पड़ी हुई है। तो मैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट लगा वो मैं बता दिया, और होप करता हूँ ये सारे क्वेश्चन से आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप खरीदो iQOO 7 या फिर नहीं खरीदो। तो और भाई मेरा लास्ट ओपिनियन यही रहेगा कि अगर आप लोग BGMI कॉम्पी प्लेयर बनना चाहते हो और रिकॉर्डिंग के साथ मतलब गेम प्ले भी रिकॉर्ड करना चाहते हो तो iPhone खरीद लो भाई लोग, थोड़ा बजट हाई करके तो आप लोगों के लिए सही रहेगा। और भाई मैं इतना लंबा वॉइस ओवर वाले वीडियो नहीं बनाता हूँ, तो ये वाला वीडियो सबसे पहला वीडियो होने वाला है जो इतना लंबा वॉइस ओवर वाला वीडियो बना रहा हूँ। तो
इस मेहनत के लिए लाइक कर देना इस वीडियो को और शेयर कर देना और कमेंट में बताना भाई आप लोग खरीदने वाले हो iQOO 7 या नहीं। अगर आप लोग BGMI कॉम्पी प्लेयर बनना है और कुछ सीखना है या फिर गेम प्ले देखना है BGMI का, तो मैं इस चैनल पे रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहता हूँ BGMI कॉम्पी वाला गेम प्ले। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर करना इस वीडियो को। और भाई होप करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को कुछ जानकारी मिला होगा। तो और बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा बाय बाय। गया लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो बस एक कसम खा के जय माता, जय माता।